ये है हमारा पुराना वाला घर और ये है नया वाला घर। तो ये घर वैसे तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसमें फर्नीचर क्या करवाया है वो आपको नहीं दिखाया था। तो चलिए देखते हैं। इसका कलर वैसे सफ़ेद ही रखा है, ओनली ये कलर किया है पट्टी पर। और ये है दरवाज़ा, ये दरवाज़ा के ऊपर डिजाइन है। और यहाँ से एंट्री करते हैं घर के अंदर। और ये है बाहर का रूम, बैठक रूम। इसके अंदर ये एक बेड है और ये अलमारी बनाई हुई है और खिड़कियाँ के कांच लगा दिया है। ये देखिए, ये मम्मी ने तस्वीर भी लगा दी है यहाँ पे। और ये यहाँ पे लेट बाथरूम है। बाथरूम के अंदर ये फैन भी लगा दिया है, एग्जस्ट फैन। और ये है, ये यहाँ पे गीजर भी लगा दिया है और सब कुछ तैयार है। ये है मम्मी का रूम जिसके अंदर ये है बेड, ये अलमारी, और ये यहाँ पे बड़ी बड़ी अलमारी बना दी है। और ये है किचन, किचन के अंदर यहाँ पे ये गीजर लगाया हुआ है ताकि ठंडा पानी ना हो जब बर्तन धोते हैं। तो अभी किचन के अंदर कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि मुहूर्त होने के बाद ही किचन के अंदर सामान रखेंगे, उसके लिए पहले नहीं रखेंगे। ये यहाँ पे सामान रखने के लिए स्टोरेज बना दिए हैं। और इसी तरीके से ये इतने सारे स्टोरेज ये नीचे बनाए हुए हैं, कितना भी सामान रख सकते हैं इनके अंदर। ये बड़ा है, ये छोटे छोटे हैं। ये देखिए, किचन के अंदर एक खिड़की है ये, और एग्जस्ट फैन भी है। ये एग्जस्ट फैन लगा दिया है और ये ऊपर वाला फैन भी है। तो स्टोर रूम है, यहाँ पे पापा जो दवाइयाँ रखते हैं वो सभी सामान रख दिया है, आयुर्वेदिक सामान रखते हैं वो है। तो ये घी का दीपक जला दिया है और ये पुष्प। तो दादा ने सामान तो सारा तैयार कर लिया है। तो दोस्तों दही आगे तो लगभग हो चुकी है, अभी पाठ चालू करेंगे। अब चालू कर सुंदरकांड को पाठ है तो हिंदी और भाषा में रामचरित मानस का पाठ है। और कितनी घंटा का उसे? 24 घंटा का पाठ है उसे। तैयारी हो चुकी है, अब ओनली चालू करना है। अब नहीं चालू करना है, पूजा में बैठ जाना, तैयार हो गया पूजा तो हुई सी। तो गणेश स्थान पर गणेश, चार लोग घर का बैठना की आज बैठो, जोड़ो बैठना, जोड़ो जोड़ा बैठना, एक जोड़ो बैठ सी, जोड़ो एक बैठ सी। पूजा उसी गणेश जी की संसद देवता की स्थापना उसी। तो विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। दीर्घायु विष्णु करोतु समय प्रभाव, शिवम करोतु कल्याणम महा। ओम।
गोत्रोत्पन्न से बोलो मम कायिक वाचिक मानसिक यातारथ सकल दोष निवारणार्थम सूर्धि समृद्धि प्राणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पमस्तु। गणेश जी ध्यान करो। हरि ओम महासुषेक दंत कपिलो गजतर्णकाय लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाथो विनायकाय धूम्रकेतुर्घनादसो बालकं रोगदारण त्वावेशानि नामानि प्रीतंदे पटेन्द्रेण पञ्चामस्नानं समर्पयामि च पुनः शुद्धोदक जलं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि। गंधम स्वर्प्यामी हाथ लगा लो। गंध द्वारा स्वर्प्यामी सात गुणाठ पूजा दक्षिणा द्रव्यम स्वर्प्यामी। नमस्कारोमि। हरि ओम मा श्री सदे लक्ष्मी कन्यावाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमितिनो व्यातं मा इष्टान्निखाना भूमैखाना सर्वलोकमैखाना मा लक्ष्मी जवितमये विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी तांबूलं स्वर्पयामि सात गुणान् पूजयित्वा दक्षिणाद्रव्यं स्वर्पयामि। वहां विशेष दक्षिणा पुष्प दक्षिणा हो रही है कल जल मत माँ सरस्वती को ध्यान करो। माँ सरस्वती का ध्यान करो। ओ माँ शुक्लम ब्रह्म विचार धार परमा माध्यम जगत व्यापिनी विना पुत्र धारणा मा विना धारणे नमः। Thank you.
ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मणाय हिताय च जगदीप्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब देखो मैं बताऊं खाने ब्राह्मण का साथ में गद भी दिले करो तो नियत चावल नहीं डालना क्योंकि आशीर्वाद स्वरूप में ही ये तो सब दिया जाता है। अच्छा तो मान ध्यान कोई बात नहीं तैयार हो गए ना तो फिर, लेकिन ये अभी तक नाया भी नहीं है। आरती घुमा के ले आओ, कोठी में आरती घुमा ले सारे। एक मिनट है जी। बना रहे हैं, चावल बनाने चढ़ा दिए हैं, सब्जी बना ली है, ये यहाँ पे चावल बन रहे हैं। परम पुनीत जाय नदी जिए प्रेम बड़ बाप।